कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग कैसे हैं? काफ़ी मैसेज आते थे कि सर किस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। बात कर रहे थे कि कुछ वजह था, किसी कारणवश से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और आपके मैसेज का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि फार्मा में कैसा है, आप लोग अगर फार्मा से रिलेटेड हैं तो आप लोगों को पता होगा कि फार्मा में क्या चलता है और फार्मा में कैसे लोग ड्यूटी करते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जिसमें आपको टाइम मिल जाता है आपसे डिस्कस करने का, आपसे बातें करने का, वीडियो बनाने का, और किसी कंपनी में टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से नहीं बना पाते हैं। लेकिन चाहे आप जो भी हो, दिन या सप्ताह में 2-3 वीडियो ऐसे आपको देंगे जो नॉलेजफुल रहेगा, जो फार्मा इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग रहेगा, वो कंपनीज के बारे में हो, आज के सिचुएशन कंडीशन के बारे में हो, या कुछ वैसे नॉलेजफुल टॉपिक्स होंगे। फ्रेंड्स, हम बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करें। और हम भी किसी से डिस्कस करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, किसी से बातें करते हैं, तब जाकर के ये सब चीज़ें पता चलता है। और हम लगभग हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं फार्मा में, चाहे वो प्रोडक्शन हो, क्यूए हो, क्यूसी हो, माइक्रो हो, कोई इक्विपमेंट हो। तो आप लोग आप वीडियो देखिएगा, यह नॉलेजफुल ही रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ की फ्रेंड्स, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में हम क्या बताएं, आप लोग खुद जानकार हैं, आप लोग खुद फार्मा जानते होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महासागर है, महासागर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ है, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है काम के रिगार्डिंग, या अपने पर्सनल लाइफ में, या अपना जीवनचर्या में कैसे हमको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, कैसे एडवर्स कंडीशन में हमें अपने आप को एडजस्ट करके काम करना है। और ये हर एक तरह के सिचुएशन आपको सिखाता है, हर एक तरह का। अब ये ऐसा भी रहता है कि आप शिफ्ट में काम करते हैं, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, बहुत सारे लोग होंगे जो जनरल ड्यूटी करते होंगे, तो जो जनरल करते होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल तो नहीं होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में 90% जो गवर्नमेंट्स है या जो प्राइवेट सेक्टर ही है, वो अधिकांशतः जनरल शिफ्ट चलते हैं। लेकिन बहुत सारी 10% ऐसी कंपनियां हैं जिसमें तीनों शिफ्ट चलते हैं, चाहे गवर्नमेंट भी हो, गवर्नमेंट में भी 3 शिफ्ट चलते हैं, प्राइवेट में तो चलते ही हैं, क्योंकि इतना प्रोडक्टिविटी उनको चाहिए तो वो एक शिफ्ट में नहीं निकल पाता है, इसके लिए 3 शिफ्ट चलाते हैं। तो जो लोग शिफ्ट में आते हैं उनके लिए तो नाइट, सेकेंड, फर्स्ट, ये सब चीज़ें, क्या एक बंदा है अगर उसको एक सप्ताह फर्स्ट में, एक सप्ताह सेकेंड में, एक सप्ताह नाइट में, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा हो जाता होगा, क्या रहता होगा, अपने आप को एडप्ट कराना पड़ता होगा। अगर वो नहीं कैसा करेगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, या तो उसको कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो हर एक सप्ताह में हम लोगों को शिफ्ट वाइज शिफ्ट आना जाना होता है, बहुत दिक्कत रहता है, फिर भी करना पड़ता है। ये हम अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बता रहे हैं, एक जनरल व्यू बता रहे हैं। ऐसा होकर आते हैं नाइट, सपोज कीजिए नाइट शिफ्ट करके आते हैं, फिर आपको दिन में किसी वजह से कॉल आ जाता है या आपको जाना पड़ता है, तो सोचिए कि कैसा लगता होगा। मतलब ये एक तरह का एडप्टेशन है, आपको बहुत गुस्सा होता आता होगा, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को, अपने आप को सेट करना पड़ता है। तो हम ये चीज़ें बता रहे थे कि पेशेंस भी अपने अंदर एक डेवलप होता है, ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो आज ऐसे ही जनरल बातें करने के लिए आज ये वीडियो बना रहे थे, चलिए आपसे डिस्कस ऐसे ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, लगभग 9-10 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे शायद वीडियो हमें अपलोड की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आज से हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको कोई किसी टॉपिक पर कोई कन्फ्यूजन हो, या अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि